नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 9 अक्टूबर को राजधानी रांची में मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ऐसे में मैच को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर के हम जेसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव जी से बात करेंगे। सर, मैच को लेकर लोगों में काफी एक्साइटेड है, कई लोग निराश भी है, चूंकि बड़े चेहरे जो है वो इस बार मैच नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां हैं? देखिए, रांची हमेशा से आप देखेंगे सभी स्पोर्ट्स, यहाँ स्पोर्ट्स लवर्स काफ़ी हैं हमारे राज्य में। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो और लॉन बॉल हो, मतलब हर तरह के खेल पे यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट रहता है। और क्रिकेट का जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है, अमिताभ सर हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उन्होंने एक तोहफा जो झारखंड राज्य को दिया है इस जेएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रूप में, ये एक धरोहर है इस राज्य के लिए। और हमारे राज्य के जो खेल प्रेमी दर्शक हैं उन्हें यहाँ पे लाइव मैच देखने का मौका मिलता है। और जो भी लगातार अभी तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैचेस यहाँ पे हुए हैं उनका सफल आयोजन जेएससीए ने किया है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी भी स्टेट्स में जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होते हैं उसमें कोई छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी होते हैं, बट ये अमिताभ सर के कुशल लीडरशिप को आप बोलेंगे, बाकी ग्रेस ऑफ गॉड, ये हमेशा यहाँ पे सफल आयोजन रहा है। और इस बार भी पहले की ही भांति इस मैच का हम सफल आयोजन करेंगे। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की आप बात कह रही थी, तो यहाँ के जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा से, मैंने शुरुआती ही दौर से मैचेस के दौरान देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा को लेकर, राइट, जब टीम पहुँचती है यहाँ पे उनका होटल तक जाने से लेके और जब प्रैक्टिस सेशन में यहाँ आते हैं, इसके अलावा जो मैच ऑफिशल्स जो रहते हैं उनकी सुरक्षा हो, टिकट खिड़की पे सुरक्षा हो, सारी चीज पे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हमें भरपूर सहयोग मिलता है। और वो काफ़ी, जबकि अभी आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक काफ़ी प्रेशर था, दुर्गा पूजा, इनफैक्ट कल ही विजयदशमी थी और दुर्गा पूजा और विजयदशमी में रावण दहन को लेके एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही काफ़ी उनको एक चैलेंज रहता है। और उसके बाद तुरंत बाद फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है, तो मैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनका विशेष हमेशा सहयोग रहता है। ये इस बार के अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंडिया साउथ अफ्रीका जेएसए के लिए और क्रिकेट को चाहने वालों के लिए भी एक बड़ी बात यही है कि अमिताभ सर हमारे बीच में नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमिताभ सर के बगैर किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच का, क्रिकेट मैच का आयोजन झारखंड की धरती पे हो रहा है। इतना मुश्किल हुआ उनके बगैर सारी तैयारियां करना, चूंकि ऐसा पहली बार हुआ, आपने भी जिक्र किया। देखिए, ये एक इमोशनल जो वॉइड है उस कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है। अमिताभ चौधरी सर हम लोगों के लिए एक व्यक्तिगत तो लॉस है, हम सारे लोगों के लिए, इसके साथ साथ सामाजिक रूप से भी, स्पोर्ट्स लवर्स को भी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से भी, क्योंकि उनके कार्यकाल को लोगों ने एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जो ना केवल जेएससीए के अध्यक्ष रहे बल्कि उन्होंने बीसीसीआई में भी वो जॉइंट सेक्रेटरी रहे, बाद में वो एक्टिंग सेक्रेटरी रहे। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट लोधा कमेटी के रिपोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को रिमूव कर दिया था बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से, उस समय भी अमिताभ चौधरी सर वहाँ सेक्रेटरी के रूप में रहे, एक्टिंग सेक्रेटरी, और उन्होंने आईसीसी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज डायरेक्टर। तो ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि हमारे झारखंड के, जिनके कर्मभूमि झारखंड थी, यहाँ से निकल के कोई व्यक्ति आईसीसी में, क्योंकि अमिताभ चौधरी इंडिया, वहाँ पे आप अगर लिस्ट देखते तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे, तो कहीं ना कहीं। और मैंने देखा है जब मैं भी दुबई गया या बाहर भी देश में मुझे जाने का मौका मिला क्रिकेट को लेके, तो वहाँ जो भी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आईसीसी के हों या अलग अलग देश के जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो सारे लोग अमिताभ चौधरी जी को लेके उनके अंदर में एक बहुत ही हाई रिगार्ड और रिस्पेक्ट रहता है कि वो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बड़े ही अच्छे प्रशासक हैं। उनके लोग, उनके जो कभी वो ईमेल भेजते थे तो उसको लेके लोग चर्चा करते थे कि जो सर की जो ड्राफ्टिंग होती थी वैसा किसी का नहीं देखा गया है। और जेएससीए तो बिल्कुल यहाँ उनकी आत्मा बसती थी, जब भी वो रांची से बाहर अगर रहे तभी, अदरवाइज वो हर दिन वो यहाँ स्टेडियम में जरूर होते थे। और इस स्टेडियम का वो हमेशा कहते थे कि इसमें एक एक जो ईंट भी लगी है तो उनके सामने वो लगी, उनको पता है कहाँ पे क्या है। तो उनके बगैर इसकी कल्पना कर पाना असंभव था, लेकिन जैसा आप सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन, और ज़िंदगी चलते रहती है, हम व्यक्तिगत लॉसेस से, बड़े बड़े लॉसेस से भी हमें उबरना पड़ता है कि ज़िंदगी, हमें आज तक हम लोगों ने यही सीखा है। और क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, खेल के फ्यूचर के लिए, इस राज्य के भविष्य के लिए ये ज़रूरी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कि इस राज्य के लिए धरोहर है, हम सारे लोग मिलकर एक टीम भावना के साथ में यहाँ मैच का सफल आयोजन करें, इसको मेंटेन रखें। और जो इसकी गरिमा है, जो यहाँ का डिसिप्लिन है,
क्योंकि अमिताभ सर ने एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का डिसिप्लिन यहाँ रखा हुआ था। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, यहाँ आने के बाद उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता था, और इस रूल को तोड़ने वाले व्यक्ति को वो यहाँ से एंट्री भी बैन कर दिया करते थे। तो हम सारे लोग मिलकर टीम वर्क के रूप में उनके ही बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, और ये प्रयास रहेगा कि इस मैच का सफल आयोजन, आगे और अनेक मैचेस जो यहाँ पे होंगे, और झारखंड राज्य के जो नए युवा खिलाड़ी हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से अमिताभ सर करते थे, जो प्रेजेंट टीम है JSCA की, वो उसी काम को आगे करती रहेगी। सर एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि मैच स्टेडियम के बाहर टिकट लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुबह 9 बजे से लोग खड़े हैं, कई लोग सुबह 5 बजे से खड़े हैं, लेकिन टिकट जो है वो खत्म हो गया है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। देखिए क्या है कि ये टिकट, इनफैक्ट किसी और भी मीडिया के साथी ने ऐसा कहा, जब हम लोगों ने इस बात को मालूम किया वहाँ पे जो पेटीएम के लोग हैं जो इस टिकट जो होम जो बॉक्स ऑफिस बोलते हैं टिकट खिड़की को मैनेज कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था किसी एक डिनोमिनेशन का टिकट जो था मे बी उस काउंटर में नहीं होगा, बाकी इस चीज़ की व्यवस्था की जा रही है, ऐसी कोई भी सूचना आती अगर है तो हम लोग तुरंत उसको रिजॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, ताकि दर्शक जो वहाँ आए हुए हैं उन्हें बहुत देर इंतजार ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अजयनाथ शाहदेव जी, जिन्होंने साफ तौर पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये मैच अमिताभ चौधरी के बिना काफ़ी अधूरा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही है कि हम उनकी गैर मौजूदगी में भी इस मैच का आयोजन जो है वो सफल तरीके से करें, और इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की गरिमा को भी हम बनाए रखें। तो मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव न्यूज।